आपने खिचड़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम स्पेशल खिचड़ी बनाने वाले हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसके लिए हमने एक कप मूंग का दाल लिया है, ये पीली मूंग की दाल है। दाल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। पहले दाल को हमें चलाते हुए भूनना है, नहीं तो दाल जल जाएंगे। दाल से खुशबू आने लगी है, दाल हमारे भून चुके हैं। अब हम चूल्हा को बंद कर देंगे। ये हमने एक कप गोविंद चावल लिया है। खिचड़ी के लिए ये चावल बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो दाल से थोड़ा बहुत ज़्यादा चावल ले सकते हैं, मैं दोनों की क्वांटिटी बराबर ले रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे ये भुना हुआ दाल, इसमें डालेंगे पानी और चावल और दाल को अच्छी तरीके से धो लेंगे। दो तीन पानी से अच्छी तरीके से हम धो करके इसे हम भिगा देंगे 10-15 मिनट के लिए चावल को। तब तक के लिए हम बाकी का तैयारी करेंगे खिचड़ी के लिए। हमने अच्छी तरीके से चावल और दाल को धो लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम भीगने के लिए रख देंगे। चले फ्रेंड, अब हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा काजू, इसे हमें हल्का भूनना है। आप चाहे तो काजू को घी में फ्राई करके निकाल सकते हैं। काजू का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा किशमिश और इसे हल्का सा भून करके हम निकाल लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी भून जाता है तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। देखिए ये भून चुके हैं, अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ। इसी तेल में हम ऐड करेंगे पनीर। ये हमने थोड़ा सा पनीर लिया है और इसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। आप पनीर कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप 1 पाव से 300 ग्राम तक इसमें पनीर डाल सकते हैं। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। पनीर भी हल्का भून चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम मिक्स वेजिटेबल को भूनेंगे। ये आधा किलो मिक्स सब्जी है, इसमें आलू है, गाजर है, फ्लावर है और बीन्स है। ये तीनों मिला करके हमने आधा किलो लिया है। इसे भी हमें भून के निकालना है। देखिए सब्जी हमारी भून चुकी है, इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। अब मैं सब्जी को भी निकाल लूँगी। इसी तेल में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। हमने एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के लिया है। जीरा क्रैकल कर रहा है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज। प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ सूखे मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च है, नमक स्वाद अनुसार। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिए हमने, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी। इसे मिक्स करेंगे। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। हम मसाले को भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल। ये कच्चा नारियल है, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें। थोड़ा देर के लिए इसे भी हम भून लेंगे मसाले के साथ में। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसका मतलब आप हमारे चैनल पर बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप इसे दबा दें, ये इस तरीके का ग्रे हो जाएगा। और साथ में ये बेल बटन है ना, इसे भी आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई रेसिपी की वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। और ये सब्सक्राइब हमें एक बार ही करना है। ये ग्रे कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, इसका मतलब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी कोई वीडियो देखे तो आप उसे लाइक का बटन दबा करके लाइक कर दें। और ये बिल्कुल फ्री है और इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। ये देखें मसाला जो अच्छी तरीके से भून चुका है, ये देखें तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल। हमने चावल से पानी को छान लिया है। चावल को भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। दाल की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि दाल को हमने पहले से भून लिया है। आप एक बार इस तरीके से खिचड़ी बना करके देखें, बहुत सोंधा सोंधा इसका खुशबू आता है और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। चावल को 2-3 मिनट तक भून लिया है। हमें बर्तन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये बर्तन जो है काफ़ी छोटा है। आप चाहे तो एक ही बर्तन में बना सकते हैं, पर ये बर्तन छोटा है इसके लिए मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि खिचड़ी बढ़ जाएगी। इसमें पानी डालेंगे, सब्ज़ी डालेंगे तो ये भर जाएगा। मैं इसे चेंज कर ले रही हूँ। हमने बर्तन चेंज कर लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे पानी।
पानी में बॉईल आ चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ सब्जी। इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा खिचड़ी जो है सॉफ्ट हो चुका है, चावल और दाल जो है अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये बॉईल किया हुआ मटर है, इसे हमने बॉईल करके लिया है। ऐड करेंगे ये पनीर और काजू किशमिश, हमने थोड़ा सा काजू किशमिश और पनीर गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। बस इसे हमें मिक्स करना है। नमक वगैरह चेक कर ले इस स्टेज पे, नमक कम वगैरह हो तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है और हमारा खिचड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। गर्मा गर्म खिचड़ी के ऊपर देसी घी बहुत सुपर टेस्ट करता है, आप एक बार इस तरीके से खा के देखें। अगर आप गार्निश करना चाहते हैं तो अपने पसंद के किसी भी सामान के साथ आप इस पर गार्निश कर सकते हैं, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता। अगर आपको ये खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें। मिलती हूँ मैं आपसे एक और टेस्टी और यम्मी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप टेस्टी खाएं और मस्त रहें। बाय बाय।